बेटियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आजकल मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा फीवर हो गया था और थोड़ा सा सर भी बहुत हेडेक है। तो यदि मैं कुछ डल लग रहा होऊंगा या मेरी वॉइस में थोड़ा कुछ कमी होगी तो इसमें शायद मेरे सिक होने का भी कारण हो सकता है। तो गाइस, आज जिस सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, बेसिकली ये एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट, ये कहा जाए तो जैसे कि मैंने इसको ना रिलीजियसली एक एक एपिसोड जब भी रिलीज हुआ था तब देखा था। डेक्स्टर सीरीज बेसिकली ये यूएसए की एक ऐसे करेक्टर की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। इसके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं और इसके अंदर जो स्टोरी है बेसिकली ये स्टोरी फोकस करती है डेक्स्टर मॉर्गन के ऊपर, जो कि एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा सीरियल किलर है जो अपने डार्क पैसेंजर्स को और अपने फादर के दिए हुए कोड को फॉलो करते हुए वो उन सीरियल किलर्स या मर्डरर्स को मारता है जिनको कि पुलिस पकड़ नहीं पाती है या पुलिस के हत्थे वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि एविडेंस की कुछ कमी होने के कारण, और वो उनको पनिश करता है। बेसिकली वो एक साइको किलर रहता है, बट उसका जो फादर रहता है उसको टीच करता है कुछ कोर्स कि आपको इस कोर्स के तहत चलना होगा और यदि इस कोर्स के अंतर्गत कोई ये सब किलर निकलता है तो तुम अपने डार्क पैसेंजर मतलब कि अपने जो किलिंग अर्जेस है उसको शांत करने के लिए उनको तुम मार सकता है। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली डेक्स्टर मॉर्गन के ऊपर है जो कि मायामी पुलिस डिपार्टमेंट पे एज अ ब्लड स्पैटर्स एनालिस्ट के तहत काम करता रहता है और उसके अंतर्गत वो जितने भी एविडेंसेस देखता है और लोग भाग जाते हैं क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहता है। ब्लड स्पैटर का जो एविडेंस रहता है कंक्लूसिव एविडेंस ना मानते हुए बहुत सारे लोग बच जाते हैं, बट उससे मालूम होता है कि कौन का किलर रहता है। तो उसमें इसकी स्टोरी के बारे में दिखाया गया और कितने सारे जो किलिंग है वो दिखाया गया। इसमें जो डेक्स्टर मॉर्गन का जो रोल प्ले किया है माइकल सी हॉल ने, उसकी जो एक्टिंग है, जो उसका करिश्मा है, जो उसका ना साइको किलर टाइप ऑफ एक्टिंग है, उसकी बहन डेबरा मॉर्गन जिसकी जो इंटेंस एक्टिंग, और उसके जो साइड कैरेक्टर्स थे जो सर्जन डोग्स से लेके एंजेला बटिस्टा, इनकी सारी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि ये शो है ना बहुत ही पॉपुलर हो चुका था और उसको मैंने काफी रिलीजियसली फॉलो भी किया था, उसको वॉच भी किया था और ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट वॉच्ड सीरीज में से है। बट इसकी जो एंडिंग, जो लास्ट सीरीज था उसका सीजन फाइनाले में जो एंडिंग की गई थी उसके बाद से जो बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा हुए, जैसे कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स में एंडिंग की गई थी उसी तरह से डेक्स्टर का जो सीरीज है उसका जो एंडिंग किया गया था जिसके अंदर की सर्जन डोक्स को डेक्स्टर पर हार्बर बे बुचर के नाम पर उसको घोषित करके वो डेक्स्टर बच जाता है, उस तरह की जो एंडिंग रहती है उससे बहुत लोग नाखुश थे। तो उसका क्लोजर करने के लिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सीजन टू आएगा और उसमें जब दिखाया जाएगा कि क्या बेसिकली उसकी एंडिंग होती है। उसकी 7-8 साल के बाद 2021 में डेक्स्टर सीरीज रिलीज हुई थी। बेसिकली जो मेरे टॉप सीरीज मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डेक्स्टर का नाम इसलिए नहीं डाला था क्योंकि उसकी एंडिंग नहीं हुई थी और उसको एंडिंग देखना बहुत जरूरी था। तो बेसिकली उसकी एंडिंग जो है उसके बाद इसकी रेटिंग में दे पाता। तो इस जो स्टोरी है डेक्स्टर न्यू ब्लड, ये जो सीक्वल है बेसिकली ये उसी की स्टोरी फॉलोअप करता है कि किस तरह से डेक्स्टर मॉर्गन बच जाता है और एक रिमोटली यूएस के इंडिया में रहते रहता है, अपनी क्वाइटली लाइफ जीते रहता है। वहां पर उसकी जब उसका लड़का वहां पे उससे आके मिलता है, बाद में बताता है कि 10 साल तक मैं तुझे खोजते रहा और उसके अंदर भी ऐसा पता लगता है कि कुछ डार्क टेंडेंसीज है और वो उसके अंदर भी उसको जब डेक्स्टर को लगता है कि ऐसे अर्जेस आते हैं कि वो किलिंग करे, जब उसको पता लगता है कि अपने दोस्त का पैर काट देता है और रेसलिंग मैच में एक दूसरे का हाथ तोड़ देता है, पूरा शो है उसके इनर डीमन के साथ टॉकिंग है कि किस तरह से मैं अपने लड़के को ये सब बता सकूं कि मैं क्या हूं करके, और उसकी जो बहन रहती है जो उसके इंटरनल इनर डीमन है उसको जो रोकने के लिए उसको बताती रहती है कि तू मत करना ऐसा नहीं तो उसको खो देगा। तो इसके अंतर्गत ही पूरा शो चलते रहता है। इसमें ज्यादा किलिंग्स नहीं है जिस तरह से डेक्स्टर के प्रीक्वल्स में बहुत सारी किलिंग्स है, इसके अंदर मुश्किल से 3-4 किलिंग होगी। उसके अंदर जो उसके जो ताने बाने हैं, कैरेक्टर्स है, जो बिल्डअप है, एंजेला और डेक्स्टर का जो रिलेशनशिप है, जो हैरिसन है और उसके जो डार्क टेंडेंसीज है और डेक्स्टर को ऐसा लगता है कि उसके तरह ही उसका लड़का है, उसका जो ताना बाना है, और फिर जो एक कर्ट कॉडवेल जो मेन विलेन है वो जो एक एंगल लेके आता है कि वो एक सीरियल किलर है, मेन विलेन बना है इस मूवी का, तो ये जो ताना बाना है इसी के साथ में पूरा ये सीरीज को गढ़ा गया था। बेसिकली ये सीरीज भी काफी इंग्रोजिंग है, इसको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता रहता है कि आप हुक डाउन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या फिर डेक्स्टर को जिस तरह से बात हो रही थी क्या उसको एंड किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ट्वीट्स आए थे जो शो के क्रिएटर लोग थे, हमने जो एंडिंग की थी सीजन 1 की उसको हम लोग करेक्ट करेंगे सीजन 2 के अंदर, और उसमें न्यू ब्लड भी लिखा हुआ है तो शायद उसके लड़के को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है विद डार्क टेंडेंसीज, क्या वो अब जो नया सीजन होने वाला है उसके लड़के के बारे में होने वाला है। ये जो लास्ट में जो इस शो के जिस तरह से उन्होंने सीजन 1 में गुफअप किया था, डेक्स्टर न्यू ब्लड के फर्स्ट सीजन के एंड एपिसोड में इन्होंने फिर से गुफअप कर दिया है, मतलब कि उसका लड़का ही, मैं स्पॉइल कर रहा हूं जिसने नहीं देखा है सीरीज तो प्लीज उसे जाके देख ले
और ये सबको रिकमेंडेड है। हाँ बच्चे नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा जो किलर की बात की गई है, जो किलिंग की गई हो, छोटे बच्चों के लिए आई थिंक सुटेबल नहीं रहेगा। तो आपको मैं स्पॉइल करने जा रहा हूँ कि किस तरह से डेक्स्टर का लड़का हरिशन ही डेक्स्टर का मर्डर कर देता है। आई मीन इट वॉज सो शॉकिंग। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब लड़का उसको आइडियलाइज करता है अपने फादर को डेक्स्टर को, और उसी की तरह डार्क टेंडेंसीज दिखाते रहता है, और जैसे बैटमैन और रॉबिन की तरह बुरे पर्सन है उन लोग को खत्म कर देना है, हम लोग इनोसेंट्स को बचा रहे हैं, इस तरह का जो वो दोनों का एक तरह से रिलेशनशिप दिखाया गया है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। बट एंड में क्या दिखाया है, क्योंकि डेक्स्टर उसके कोच लोगन को गलती से मार देता है, हैरिसन डिसाइड करता है कि अपने बाप को मैं गोली से मार के खत्म कर दूंगा। इट वॉज सो शॉकिंग और इट इज सो अपसर्ड कि इस तरह का डिसीजन क्रिएटर्स ने फिर से लिया। शो का जो फिनाले था उसके अंदर उन्होंने फिर से डेक्स्टर के इस तरह से उसके कैरेक्टर को एंड किया, वो समझ में नहीं आया। बेसिकली आई थॉट कि उसका कुछ बहुत सारा पब्लिक ट्रायल होगा या फिर डेक्स्टर भाग जाएगा, जिस तरह से भागने की कोशिश करता है अपने लड़के के साथ, और भाग के जिस तरह से वो प्लान करता है कि लॉस एंजलिस में जाएंगे और वहां बहुत सारे बुरे लोग हैं, वहां पर उनको मारेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन बताया कि उसका लड़के में डार्क टेंडेंसीज थी बट वो नहीं चाहता था किलिंग करना, बट इसके अंदर जो डार्क टेंडेंसीज थी, इसके जो डार्क पैसेंजर था वो चाहता था किलिंग करे, बट वो किलिंग करने को अपने को नहीं रोक पाता था, तो इसलिए वो बुरे लोग को मारता था, बट ये ऐसा नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दिखाया है, और इसी के अंदर वो डिसाइड करता है कि कोच को मारा तो इसको गोली से मार दूंगा। तो ये मुझे जो डेक्स्टर की जो किलिंग दिखाया गया है उसके लड़के के द्वारा बिल्कुल भी नहीं पचा। एब्सोल्युटली नो, उन्होंने पूरा एक मिस्ड चांस उन्होंने खो दिया। डेक्स्टर के कैरेक्टर को और थोड़ा लंबा ले जाते हैं, फिर दो तीन सीजन के बाद उसको मारते उसके लड़के के द्वारा, कि जब देखा था कि लॉस एंजलिस में बहुत सारे लोगों को मार रहा है इनोसेंट्स को, तब वो जाके करता। बट आई थिंक ये सीजन टू आने वाला है और उसकी काफी बात भी हो रही है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से सीजन वन में डेक्स्टर को डेबरा मॉर्गन उसकी जो बहन रहती है उसको उसके साथ वार्तालाप करती है, उसी तरह से सीजन टू में भी डेक्स्टर का लड़का हैरिसन रहता है उसको डेक्स्टर गाइडेंस देगा, और वो जाके लोगों को मारेगा जो कि वो डीम करेगा कि वो लोग डिजर्व करते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ सकती, और मैं उनको मारकर जो इनोसेंट्स की लाइफ बचाकर एक तरह से जस्टिस करूंगा। इस तरह की एक मेरे को लगता है कि क्रिएटर्स आगे जाकर सीजन को डेवलप कर सकते हैं। जो सीरीज का नाम है डेक्स्टर न्यू मॉर्गन, अभी तक इसका डिसीजन नहीं लिया गया है कि सीजन टू आने वाला है, बट जो क्रिएटर है क्लाइड फिलिप्स उसका यह कहना है कि वो डेफिनेटली वांट टू मेक सीरीज ऑन हैरिसन। बेसिकली वो हैरिसन को पकड़कर एक तरह से न्यू सीरियल किलर जो उसके फादर से डिफरेंट होगा। तो बेसिकली ये तो ओवरऑल एक तरह से प्रीव्यू हो गया आप लोगों को कि डेक्स्टर और डेक्स्टर न्यू मॉर्गन के बारे में। बेसिकली इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो स्टोरी है प्लॉट तो ठीक है, उसके अंदर जो यदि आप डेक्स्टर के पहले से फैन है तो आपको इसकी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। इसके कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक है, इसके अंदर जो कैरेक्टर साइड कैरेक्टर है उनकी एक्टिंग अच्छी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चनेबल आप मूवमेंट से आप उसको फेस कर सकते हैं कि यहाँ पर एंडिंग डेक्स्टर की किलिंग की एंडिंग को पुश किया गया है, इसे बेटर वे से एंड किया जा सकता था। इसमें का जो बैकग्राउंड साउंड ट्रैक है वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है, जो माइकल सी हॉल की एक्टिंग है, जो एंजेला की एक्टिंग है वो बहुत ही अच्छी है। मेरे को लगता है कि ये जो एक रोल करने के कारण जो किसी किसी एक्टर की जो एक तरह से मतलब धब्बा लग जाता है कि ये इसी रोल में जस्ता था, उसके बाद और कोई भी रोल उसको भाता नहीं है। तो माइकल सी हॉल एक ऐसा एक्टर है जो कि डेक्स्टर के नाम से ही प्रचलित है, और कोई भी उसकी मूवी आप देख लें वो कभी भी किसी मूवी में सफल नहीं हुआ, सीरीज में सफल नहीं हुआ है, पर जो डेक्स्टर के जो एक सीरीज के कारण उसकी पॉपुलैरिटी एब्सोल्युटली बहुत बड़ी है, और उसी कैरेक्टर में वो जसता है। तो उसका खुद का ही डिसीजन लेना और उसको प्रोड्यूस करना इसके अंदर में किस तरह से डेक्स्टर के कैरेक्टर को एंड कर दिया जाए, मुझे बहुत ही अजीब लगा, और मेरी रेटिंग इसको आउट ऑफ 10 7 होगी, क्योंकि ये जो शो है वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, और इसके अंदर जो एंडिंग को यदि छोड़ दिया जाए, यदि इसके अंदर ताने बाने जो उसके ड्रामा, इसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो उसके अंदर जो जद्दोजहद है डेक्स्टर मॉर्गन की, वो अपने कैरेक्टर अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने अपने बच्चे को अपनी सच्चाई बताने के लिए जब सच्चाई बताता है और जब उसको डिसअपॉइंट होता है, फर्स्ट टाइम वो प्यार करता है कि उसके अंदर ऐसा उमड़ता है और उसके अंदर डिसाइड करता है कि अपनी जान दे देगा, आप खुद एक उस कैरेक्टर के एक तरह से फैन बन जाएंगे। बट जब उस पर एंड किया है, उस पर दिखाया कि उसको मार दिया, तभी दिमाग खराब हो गया था पूरा कि क्यों मार दिया यार कैरेक्टर को। मतलब आई एम अ फैन, आई वॉन्टेड टू सी मोर सीजन ऑफ डेक्स्टर मॉर्गन एंड हिज किलिंग्स। सो बेसिकली ये एक डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए, नहीं तो शो अच्छा है, आप देख सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बड़े लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शो है। और यदि इसके अलावा यदि कोई मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो आप इसका सीजन 1 2006 टू 2013
जो डेक्स्टर है उसे जरूर देखिए, वो बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, बहुत ही अच्छा। उसमें जो एक्टिंग है डेबरा मॉर्गन और जो माइकल सी हॉल है, बेसिकली उसका जो डेक्स्टर मॉर्गन की जो एक्टिंग है बहुत जबरदस्त है, और वन ऑफ द बेस्ट सीरियल किलर शो इज डेक्स्टर। तो गाइज मैं अपना रिव्यू यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और उसे शेयर करिए, इसे चैनल ग्रो करने में मदद मिलती है। आप लोगों से मैं नेक्स्ट मूवी या सीरीज के रिव्यू में मिलूंगा। आप लोगों मेरा प्रेम भरा नमस्कार।